नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे इमरान खान आए दिन पाकिस्तान में जलसों के ऊपर जलसे करते जा रहे, जहां पर उन्होंने आज पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जलसा किया, जहां पर इस जलसे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ने बैन किया था, क्योंकि इनको शक था कि इनमें कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है या कि दंगे हो सकते हैं। पर फिर भी इमरान खान नहीं माने और उन्होंने ये जलसा शुरू रखा, जहां पर साजिद ताहिर का ये कहना है कि मुल्क की मईशत गिरते जा रही है, पर इमरान खान जलसा करना नहीं छोड़ रहे हैं, जहां पर सबका ध्यान मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करें और कैसे मुल्क की मईशत को उभारे उस पर होना चाहिए था, पर सबका ध्यान जलसों पर है। कोई भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा है, सभी लोग अपने गद्दी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अपनी गद्दी बचाई जाए या कैसी अपनी गद्दी सत्ते में लाई जाए। तो क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान को सीरिया और अफगानिस्तान बनाकर छोड़ेंगे? ऐसा तो लग ही रहा है उनकी हरकतों से। वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। दरअसल आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, मार्च करेंगे और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहा है जी कि आए इस्लामाबाद और इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो असम्बलियां तोड़े और इलेक्शन कॉल किए जाएं। तार साहब, इसको बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि अपनी यूथ को आज उन्होंने कहा है कि हर जगह से रुकावटें हटाएं, और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इनको इस्लामाबाद नहीं आने देना। तो आप क्या देखते हैं? और इमरान खान साहब कुछ अरसे से पिशावर जाके बैठ गए, उनको डर है कि हमें पकड़ ना लिया जाए, और इस वक्त सुबह का देखा जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद आने में कामयाब होंगे? अगर वो होते हैं तो तार साहब इस्लामाबाद तो जो है ये तो शाम और इराक और लीबिया की तरह सिचुएशन बन जाएगी, अगर इन्होंने अफरा तफरी और मार कुटाई की। आप कैसे क्या सिनेरियो खींचते हैं सारे सवाले से? देखिए, मेरा एक सवाल है चिकमा साहब कि एक कंट्री जो के मुआशी तौर पर ऑलरेडी बैंक्रप्ट या हो चुका है और या फ्यू इंचेस अवे है, वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो फिजिबल हैं, सूटेबल हैं? इस तरह की एक्टिविटीज करने वाले मुल्क के लिए वफादार हैं, मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो क्या चाहते क्या है? आपने खुद ही सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया कि हमारी डायरेक्शन सीरिया की नहीं डायरेक्शन होगी। सीरिया तो एक बहुत अमीर मुल्क था और वहां पे जो हालात और उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो दे हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री। हमारा मुस्तकबिल अफगानिस्तान, और अफसोस के साथ ये है कि खान साहब ने सियासी पार्टी से यू टर्न लेके इसको मजहबी पार्टी बना दिया और उनके उसके पेशवा बन चुके हैं। वो जो कहते हैं उनका चूरन बिकता है, वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन मुझे खान साहब पे एतराज नहीं है, धरना देना चाहिए, जो मर्जी करे हुकूमत के लिए। जाहिर जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, जिस तरीके से असेंबली में जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज की और उसके बाद जिस तरीके से वो इख्तदार से चिमटे रहे, उन्होंने बिल्कुल शो किया कि उनको उनके इख्तदार की हवस है, मुल्क के साथ उनकी वफादारी नहीं है। और आज के हालात में, आज के सर्कमस्टांसिस में, जब एक तरफ आपके आईएमएफ से डायलॉग हो रहे हैं, हालांकि मैं तो आईएमएफ के पैकेज का भी हकदार उसका इतना फैन नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 21 प्रोजेक्ट आईएमएफ के हो चुके हैं। डॉलर आते हैं, निकलकर शाम को दुबई पहुंच जाते हैं, अभी भी आईएमएफ का पैकेज आएगा तो घंटों में वो दुबई पहुंच जाएगा। सोल्यूशन ये नहीं है। कौम जो है वो बेताब है, कौम तड़प रही है अकाउंटेबिलिटी के लिए, करप्शन के खिलाफ। एक निजाम जो डिवाइडेड है, जो कि एक आपने रूलिंग एलीट बना ली है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपकी जो है वो उसका बैलेंस खराब हो चुका है। आप एक और ये आज की स्टोरी नहीं है चीमा साहब, इसमें इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते आपको 70-74 साल की हिस्ट्री है करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, नेशनलिज्म का फुकदान होने की। लेकिन जो आपने कहा है कि कंटेनर्स, और जिस तरीके से जो आज सुबह मैं उठा हूं तो मैंने देखा है कि जेलम के पुल को वहां पे रोकने की कोशिश की जाएगी और दूसरा अटक के पुल के ऊपर रोकने की कोशिश की जाएगी,
और इन सर्कमस्टांसिस में कि जब कंट्री के अंदर पहले ही एक मुआशी बोहरान है, इस वक्त आप मजीद अपने टूटा फूटा बिजनेस आपका रह चुका है उसको मफलूज करेंगे, और आईएमएफ के साथ जो आपकी डायलॉग चल रहा है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो आपने बिल्कुल कहा है आपकी डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान और सोमालिया, और जिस तरीके से कंट्री डिवाइडेड है बेसिकली ऑलमोस्ट, मैं इसको सियासी तो नहीं कहूंगा, अब तो अमर बे मारूफ की बात है, हक और बातल की जंग शुरू हो चुकी है, ये सियासी जंग नहीं है। तो ये आप बहुत खतरनाक सिनेरियो, बहुत खतरनाक, एक ऐसा मुल्क जो के और सबसे ज्यादा तश्वीशनाक दुनिया के लिए कि यू आर एटॉमिक पावर, सबसे ज्यादा तश्वीशनाक फॉर रीजन फॉर द वर्ल्ड, और मेरे ख्याल में दुनिया देख रही है। असल में इसमें आज मैं चीमा साहब बार बार एक चीज हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इस चीज को आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक मेजर जो हिस्सा है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का है। और मैं आपके इसी बल्कि सेगमेंट के इसी में मैं वो बल्कि जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया है उसको भी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ा उसको भी डिस्कस किया जाए। लेकिन अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का उसकी वजह यह है कि खान साहब ने एक एंटी अमेरिकनिज्म के खिलाफ भी एक जो एंटी अमेरिकनिज्म इस चीज को उसको फ्रंट लाइन बना लिया है और वो और उस पर अमेरिका खामोश है, उसके उसके ऊपर ना बोला जा रहा है ना क्लैरिफिकेशन दी जा रही है ना उनको कहा जा रहा है कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एक बात बताएं, ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे कभी मिडल ईस्ट से कभी चाइना से, और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तारण साहब वहां इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारण साहब पाकिस्तान भी तो एक नेवल पार है, बात हो रही है जी कि हम इंडियन ओशन तक एक्सेस हमारी है, हमारी नेवी भी मजबूत है। तारण साहब हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते, वहां पे जितनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे जो ममालिक थे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड, तार साहब उसका हिस्सा बन जाते बजाय इसके कि हम सारे टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने तारण साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ये आज उन्होंने वहां जापान में बैठ के कहा है, और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने मराने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके, हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने सीपैक के ड्रामे को ज्वाइन किया, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा चाइनीज का, और दूसरा उसके बाद आपने उस पर फिर बात करूंगा नेशनलिज्म की, आपने उनको कहा कि हम आपकी आपकी जानो माल की जमानत देंगे, आप नहीं दे सके, डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमेशा कारोबार बाद में शुरू होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले होते हैं। आज मैं ये पूछूंगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है? लोग फ्लाइट, मैं कहता हूं फ्लाइटें बंद होने के चक्कर में जो इस वक्त जो हालात आपके हैं, सबसे पहले एयरलाइनें भागी हैं वहां से। आप बिजनेस की बात करते हैं, मैंने हालात पहले भी देख चुका हूं जब हालात पहले खराब थे। मैं एक दफा पाकिस्तान लैंड किया जब कादरी साहब कनाडा से लैंड कर रहे थे, इन्होंने कंटेनर धरना दिया था, मुझे पता है कि मैं कितने मील चल के एयरपोर्ट पहुंचा था उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट फ्लाइट लेने के लिए टू गो टू अमेरिका। तो आप अपने आप को खुद ही एक पत्थर के दौर में आप लेके जाने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो बच्चे, मेरा क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप तरीके इंसाफ है कि आप नून लीग है, आप कौन है, आपने जो एक हर बच्चे को के हाथ में माचिस पकड़ा दिए, चाहे किसी भी पार्टी के जो कुछ भी है, क्या ये पाकिस्तान मुतामल है इन चीजों के लिए, अफोर्ड कर सकता है ये सारा कुछ? और उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये चाहते हैं ठीक है, घराओ जलाओ, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या है? आप मैं एक सेकंड के लिए सोचें, इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? खान साहब अगर आ जाते हैं उस्मान बुज़दार के साथ, इज दैट अ सोल्यूशन? इनके पास आज तक इन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई? शौकत तरीन साहब निकलते गए, उन्होंने सबसे पहले कहा था
कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। आपके मैं हैरान हूं पंजाब के अंदर आपके मेरे ख्याल 21 आईजी या चेंज हुए, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, ये थी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने किसी जलसे के अंदर अपनी गलती एडमिट नहीं की 3.5 साल की। आप फरिश्ते तो नहीं है, आपने बेभाग गलतियां की हैं, लेकिन आपने उसको एडमिट नहीं किया। तो आपकी मैं ये कहता हूं धरना भी हो जाए, मफलूज कर दें इस्लामाबाद, जला दें आप सारा कुछ, इज दैट अ सोल्यूशन? आप वापस आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? IMF का पैकेज मिल जाता है, इज दैट अ सोल्यूशन? यू थिंक यू विल यू कैन पुल द पाकिस्तान आउट ऑफ इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू? आप निकल पाएंगे? जो कंट्री इस वक्त डिवाइडेड है जिस तरीके से, आप इसको यूनाइट कर पाएंगे? आपने जो नफरतों के बीज बो दिए हैं, आप इसको कूल डाउन कर पाएंगे? ये जिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं चीमा साहब, ये आग से खेल रहे हैं, मुझे इन पे कोई अफसोस नहीं है। उसकी वजह ये है ना, दिस इज देयर बिजनेस, ये बिजनेस है। मेरे मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश थी, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है को बचाने के लिए कौन निकल रहा है बाहर? इन सर्कमस्टांसिस के अंदर मेरा क्वेश्चन है, कोई फर्दे वाहिद ऐसा आप मुझे बता दें जो सलाहियत रखता हो पाकिस्तान को लीड करके सेव करने की? कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें? आपने खुद अपने क्वेश्चन में कहा खान साहब पिशावर जाके बैठ गए हैं, वो आधा मसले का हल तो वो है।